जिंदगी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह, अब आप इसे डरो या इसे एंजॉय करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी ही एक कहानी एक छोटी सी चुलबुली लड़की की, जिसका नाम दिया था। वो कुछ 7-8 सालों की थी जब उसकी माँ उसे इस विशाल दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई। इससे पहले कि उसे दुनियादारी के बारे में कुछ समझ आता, उसके पिता भी उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर उसकी माँ के पास चले गए। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटे से घर में रहती। उसने कुछ समय बाद फैसला किया कि क्यों ना मैं भगवान जी को पत्र लिखूं, जिससे उसे अपने माता पिता के बारे में पता चलेगा कि उनका हाल कैसा है और वो खुश हैं कि नहीं। तो वो हर हफ्ते एक चिट्ठी भगवान को लिखती, जिस पे फ्रॉम दिया और टू भगवान जी होता। वो बहुत ही बेसब्री से उस चिट्ठी के जवाब का इंतज़ार करती, पर अफसोस उसको कभी भी उस चिट्ठी का जवाब ना मिलता। उसने लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा हर हफ्ते चिट्ठी लिखती रहती और डाकघर में जाके डाल देती। एक बारी वो चिट्ठी किसी डाकिये के हाथ लगी, जब उसने देखा कि फ्रॉम दिया टू भगवान जी लिखा है, तो उसने सोचा ये कौन लड़की है जो भगवान को चिट्ठियाँ लिख रही है। तो उसने फैसला किया कि मैं अब ये चिट्ठी पढ़ ही लेता हूँ कि ये कौन है। जब उसने वो चिट्ठी पढ़ी तो उस पर लिखा था कि भगवान जी, आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं आपकी दिया, मैं हमेशा आपसे आपको चिट्ठियाँ लिखती हूँ, पर आपने कभी मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अगर इस बार भी मेरी चिट्ठी का जवाब ना दिया तो मैं पक्का आपके पास आ जाऊँगी और अपने माता पिता का हाल खुद ही पूछ लूँगी, और अब तो आपको मेरी चिट्ठी का जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा जन्मदिन है। अब तोहफे में ही दे दो ना मेरी चिट्ठी का जवाब, आपकी प्यारी दिया। जब उस डाकिये ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके आंखों में से आंसू आकर उसकी वाइट शर्ट पर जा गिरे, और उसने ठान लिया कि अब तो मैं इस चिट्ठी का जवाब पक्का लिखूंगा। जब उसने चिट्ठी का जवाब लिखा और उसने दिया को जाकर दी, तो दिया बहुत ही खुश हुई क्योंकि दिया को लगा उस चिट्ठी का जवाब भगवान ने दिया है उसे। जब उसने उस चिट्ठी को पढ़ा तब उसमें लिखा था, दिया मैं तेरा भगवान, मैं तुझे चिट्ठी का जवाब देरी से दे पाया क्योंकि दुनिया ने मुझे उलझा रखा था। अब जो चिट्ठी का जवाब तुझे मिल रहा है तो मैं तुझे बता दूँ कि तेरे माता पिता बहुत खुश हैं। तो खुश रह कर, जब तू खुश रहती है तो वो भी खुश रहते हैं, और तू पढ़ाई पर ध्यान दे और बड़े होकर एक अच्छी सी नौकरी करियो जिससे तेरे माता पिता को तुझ पर गर्व हो। वो चिट्ठी का जवाब पढ़ते ही उछल गई और उसने उसी दिन से फैसला किया कि अब से वो हर रोज़ और पढ़ाई करेगी और मेहनत करके अच्छी नौकरी करके अपने माता पिता को गर्व फील करवाएगी। उसके बाद कुछ सालों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और नौकरी उसे मिल गई। उसने सोचा कि एक चिट्ठी और क्यों ना लिखी जाए। उसने दोबारा से एक चिट्ठी लिखी जिस पर लिखा था फ्रॉम दिया टू भगवान जी। उसने वो चिट्ठी डाकघर में डाल दी और इंतज़ार करती कि कभी तो उस दोबारा से चिट्ठी का जवाब मिलेगा ही, पर अफसोस उसे कभी चिट्ठी का जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि जिस डाकिये ने आखिरी बार उसकी चिट्ठी का जवाब दिया था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसका देहांत हो गया था। पर दिया ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, वो हमेशा उस चिट्ठी के जवाब का इंतज़ार करती रहती। हमें भी कुछ सीखना चाहिए ना उस छोटी सी बच्ची दिया से, जिसने कभी किसी चीज़ से उम्मीद नहीं छोड़ी। हमें भी किसी चीज़ से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता कभी ना कभी तो वो हमारे पास आएगी ही। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। धन्यवाद।